देखो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो वायर के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। ठीक, वायर के ऊपर फोर्स लगेगी। तो अब इस केस में ऐसा क्यों होगा? वायर के ऊपर कब से फोर्स होने लगी? हमने अभी तक क्या स्टडी किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और वो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बी क्यू बी साइन थीटा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि वायर में करंट है और करंट कैरिंग वायर भी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो करंट कैरिंग वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो इसलिए करेगी क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स 1 न्यूटन है और 100,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 100,000 × 1 न्यूटन, तो हम बोलेंगे कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स आ गई। तो एक्चुअल में कंडक्टर की फोर्स नहीं है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स को कंडक्टर की फोर्स का नाम दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स निकाल लेंगे, फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे, नेट फोर्स आ जाएगी। तो पहला रिजल्ट, अगर आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट और बी में जो करंट है वो कहां जा रहा है? राइट। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या है? राइट। इसकी लेंथ राइट है, एल वेक्टर राइट है, क्योंकि एल वेक्टर लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, पर हम करंट की डायरेक्शन के साथ सब कुछ लेते हैं तो क्या होगा यहां पर? राइट। तो इसमें ये बी वेक्टर है और ये एल वेक्टर है, और बी वेक्टर और एल वेक्टर में अगर एंगल थीटा है तो फॉर्मूला नोट करें, इसमें फॉर्मूला बुकलेट में एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा इसका फॉर्मूला है कि अगर करंट कैरिंग वायर आई ऑफ लेंथ एल इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? बी आई एल साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, तो ये भी फॉर्मूला नोट करें, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो अगर इसमें बी और एल में एंगल जीरो है, मतलब अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब वायर भी इधर है, करंट भी इधर है, लेंथ भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसी डायरेक्शन में अगर लेंथ पड़ी हुई है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती। क्यों? एंगल उनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। अदरवाइज खुद भी सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि बी क्यू बी साइन जीरो है, जीरो, तो वायर भी कैसे करेगी? तो जीरो। लेकिन अगर बी परपेंडिकुलर है तो बी आई एल साइन 90, तो फोर्स क्या आएगी? मैक्सिमम। तो पहला रूल यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या कर रहे हैं, हमें इसका क्या कर रहे हैं? प्रूफ, ऐसा कैसे हुआ? प्रूफ के लिए कि एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट करना है तो इसको एक बार चेक करते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे आता है।